आज जो ट्यूटोरियल में हमारा जो टॉपिक है वो रेडिएशन डिटेक्शन में जब हम डिटेक्टर्स यूज़ करते हैं तो पार्टिकल्स को काउंटिंग करते हैं, और उस काउंटिंग में जो भी मेथड हो उसके डिटेक्शन का, उसके अंदर जो डेटा आता है वो हमें पता है, जैसे कि रैंडम होता है रेडिएटिव डिकेज, और इसलिए जो भी प्रोसेसेस उसमें इन्वॉल्व होंगे, चाहे वो मैटर के अंदर आयनाइजेशन है या इनइलास्टिक कोलिशंस हैं, इलास्टिक कोलिशंस हैं, या और भी कोई प्रोसेस अगर उसमें होता है, तो उसके अंदर जब भी फ्लक्चुएशंस होते हैं तो हम जानते हैं, प्रीवियस में भी पढ़ा है कि स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशंस जो हैं वो पैदा होते हैं, और इसलिए जो भी वैल्यूज़ हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी क्वांटिटी की, जैसे हम काउंट रेट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उसके अंदर हमें उसका जो स्टैटिस्टिकल पैरामीटर है वो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना होता है। इसी तरह उसका डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल्स का क्या क्या होगा वो भी हमें एक डिटर्मिनेशन में अर्ली स्टडी के लिए चाहिए। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आज का ये जो टॉपिक है वो हमने लिया है, और ये है कि न्यूक्लियर पार्टिकल काउंटिंग स्टैटिस्टिक्स जो है वो किस तरह से फॉर्म होगी और हम उसको किस तरह समझें, जिससे कि जो हम रियल डिटेक्शन प्रोसेस पढ़ते हैं किसी भी डिटेक्टर के लिए, चाहे वो आयन गैस बेस्ड हों, सेमीकंडक्टर हों, या और कोई भी तरह के सिंटिलेशंस हों, उनके अंदर किस तरह से जो डेटा आएगा वो रीड किया जाएगा। नाउ इसको स्टार्ट करने के लिए हम ये जानते हैं कि किसी भी रेडिएक्टिव सोर्स में से जो रेट ऑफ डिके है वो एक रदरफोर्ड का जो लॉ है वो हम अच्छी तरह समझते हैं, और हम ये जानते हैं कि उसमें एक डिकेज कांस्टेंट होता है और एक हाफ लाइफ जिसके द्वारा वो करता है, और ये आपस में रिलेटेड क्वांटिटीज़ होती हैं। और किस तरह से होती हैं कि सपोज़ कीजिए कोई एन रेडिएक्टिव एटम्स जो हैं वो डिके करते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे, और डी एन मान लीजिए उसका स्मॉल एन टाइम इंटरवल में जो डिके है वो होता है, तो तब हम एन डी एन और लेमडा के बीच में जो रिलेशन लिखते हैं वो बेसिकली होता है डी एन इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन लेमडा डी टी, तो यू कैन राइट दिस एज डी एन बाई एन इज इक्वल टू माइनस ऑफ लेमडा डी टी। और इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो हम ये पाएंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है हमें नंबर ऑफ एटम्स जो है वो दे देता है आफ्टर एनी गिवन टाइम टी, एन इज इक्वल टू एन ज़ीरो ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। ये एक बहुत ही यूज़फुल कंसेप्ट है डिके कांस्टेंट में। लेकिन और दूसरी बात ये है कि हाफ़ लाइफ, जैसे हम जानते हैं कि वो रेसिप्रोकल ऑफ डिके कांस्टेंट होता है, तो किसी भी हाफ लाइफ और रेडिएटिव डिस्क्रिप्टिव को डिफाइन करना है तो वो बेसिकली इस रिलेशन से होता है जिसमें एल एन टू बाई लेमडा होता है। सो जस्ट यू कैन राइट दिस एज पॉइंट टी हाफ इज 0.693 अपॉन लेमडा। तो इसका मतलब ये है कि एक हाफ लाइफ के बाद आधे इनिशियल नंबर के आधे रह जाएंगे, और दो हाफ लाइफ्स के बाद जो है वो 1/4 रह जाएंगे क्वार्टर, और थ्री लाइफ्स के बाद 1/8 रह जाएंगे। ये इस तरह से कैलकुलेशन होता है। तो इसमें हम लेमडा और टी हाफ का कैलकुलेशंस तो कर सकते हैं, और इन एक्सपेरिमेंट्स में भी कर सकते हैं, बहुत प्रिसाइजली कर सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं आज की जो टेक्निक्स हैं उनको देखते हुए। लेकिन जो हम डिटेक्टर में काउंट करते हैं वो रिकॉर्डिंग में, वो इक्वल अगर हम इंटरवल ले लें टाइम का, जैसे समान अंतराल ले लें, तो उनमें सेम काउंट्स नहीं आते हैं, और इस कारण मैंने आपको बताया था वो रेंडमनेस है, और इसकी वजह से स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशंस उसके अंदर प्रदर्शित होते हैं, एग्जिबिट होते हैं। सो रेडिएटिव डिके जो है वो रियली अ स्टैटिस्टिकल प्रोसेस होता है। अब इसको समझने के लिए जैसे एक एग्जांपल ले लें कि अगर रेडिएटिव सोर्स जिसकी हाफ लाइफ लॉन्ग है तो वो इक्वल इंटरवल्स में, जैसे मैंने बताया, तो वो फ्लक्चुएशंस करेगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए कोई भी चीज़ का जब स्टैटिस्टिकल होता है तो हमें संभावना प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। तो सपोज़ कीजिए पी एक प्रोबेबिलिटी है कि एक एटम जो है वो डिके करेगा किसी टाइम इंटरवल में टी। तो अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन नंबर टू को यूज़ करें तो ये जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 माइनस ई की पावर माइनस लेमडा टी हो जाएगी।
बहुत सिंपल है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कैन ओनली बी वन, एंड सो द रिमेनिंग पार्ट वन माइनस ई माइनस लैम्डा टी, उससे कर सकते. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी एन एटम्स की आउट ऑफ कैपिटल एन एटम्स, स्मॉल एन एटम्स मतलब जो प्रोबेबिलिटी हमारे को एन एटम्स की निकालनी है, कुल जितने डिके कर रहे थे इस, वो किससे दिया जाएगा, इसका वेल नोन डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसको हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जो आप मैथमेटिकल फिजिक्स में भी पढ़ते हैं. और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप पी एन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एन फैक्टोरियल कैपिटल अपॉन एन माइनस स्मॉल एन फैक्टोरियल एन स्मॉल एन फैक्टोरियल पी टू द पावर एन वन माइनस पी कैपिटल एन माइनस एन. यहाँ एन स्मॉल एन और कैपिटल एन जो है वो होल नंबर्स हैं, और हमें पता है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वन हो सकती है, तो इसलिए समेशन ऑफ एन स्मॉल एन गोइंग टू ज़ीरो टू एन पी एन इज़ वन. और सिमिलरली अगर अर्थमेटिक मीन निकालना चाहें तो टोटल नंबर डिवाइड बाय द इवेंट्स से करते हैं, तो एन बार इज इक्वल टू एन पी एन कैपिटल पी एन, और विच इज़ जस्ट दी प्रोबेबिलिटी कि भाई एन एटम्स जो हैं आउट ऑफ कैपिटल एन एटम्स कितने डिग्री. तो इसको सिंपली आप कैलकुलेट करें तो स्मॉल पी इंटू एन आएगा. ये भी हम दिखा सकते हैं कि जब भी हम जैसे फ्लक्चुएशंस पढ़े थे हमने स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में, कि अगर डेविएशन ऑफ ए नंबर होता है एन मीन से, तो उसको हम एक क्वांटिटी से डिफाइन करते हैं रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, और इसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोलते हैं कई बार. तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एन बार माइनस एन होल स्क्वायर एन होल मीन. इसको कैलकुलेट करें तो ये एन कैपिटल एन पी वन माइनस पी आएगा, और यदि इसके अंदर टाइम इंटरवल जो है वो बहुत ही स्मॉल हो वन बाई लेमडा से तो क्या होगा, तो देन वन माइनस पी को आप अप्रॉक्सीमेट करके वन कर सकते हैं, और सिग्मा स्क्वायर कैन बी रिटन एज जस्ट कैपिटल एन पी विच इज़ नथिंग बट एन बार. तो इसका मतलब ये है कि स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हम कैलकुलेट करें इन प्रोसेसेस में, तो वो जिसमें बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो अंडर रूट ऑफ एन बार के बराबर आएगा. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन है जो कि काउंटिंग डेटा किसी भी डिटेक्टर में जब करते हैं तो उसके अंदर इस रिलेशन को यूज़ करते हैं जब हम एरर एनालिसिस करते हैं, क्योंकि रैंडम फ्लक्चुएशंस हैं तो इसलिए एरर की आपको बात करनी पड़ती है कि प्लस माइनस कितने, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर तो हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है कभी भी. तो इससे हम क्या करते हैं कि भाई ये जो कैलकुलेशन करेंगे जब भी हम किसी डिटेक्टर के लिए, तो उसके अंदर हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है. लेकिन सपोज़ कीजिए कि एक्टिव एटम्स जो डिके कर रहे हैं वो अगर लार्ज हों, और हमारी जो प्रोबेबिलिटी है डिके की किसी भी इंटरवल में टाइम में वो बहुत वन से कम हो, तब ऐसे केस के अंदर जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक स्पेशल केस जिसे हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, वो उसमें रिड्यूस हो जाता है, और उसको अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, और उसको रिलेशन को हम लिखेंगे कि अबव वाला रिलेशन जो ऊपर था वो फोर इक्वेशन नंबर फोर से डिनोट किया है, वो रिड्यूस हो जाएगी पी एन इज इक्वल टू एन बार एन पावर ई माइनस एन बार अपॉन एन फैक्टोरियल. तो जैसा कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कि मीन की वैल्यू क्या होगी कि स्मॉल पी इंटू एन, और सिग्मा की वैल्यू भी अंडर रूट ऑफ एन बार वो सेम रहेगी. और फर्दर केस लें जिसके अंदर कि मान लीजिए मीन वैल्यू एन बार जो है वो बहुत ही लार्ज हो जाए, और ऐसे केस में जब बहुत लार्ज क्वांटिटी लेते हैं या सैंपल मान लीजिए कहीं किस केस में सैंपल ले रहे हैं आप, नंबर ऑफ डेटा आप ले रहे हैं और उसके अंदर एन बार जो है वो बहुत लार्ज हो जाए, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर पॉइजन भी रिड्यूस विल चेंज टू गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन विच इज़ गिवन बाय पी एन इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट टू पाई एन बार एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ एन बार माइनस एन होल स्क्वायर अपॉन टू एन बार. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको डिविएशन जो है एन बार माइनस एन उसको एप्सिलॉन के बराबर रखेंगे, और एन बार को हम रिप्लेस करेंगे सिग्मा स्क्वायर से. इस केस में गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस रीराइट कर सकते हैं
पी एप्सिलॉन इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाई अप वन अपॉन सिग्मा एक्सपोनेंशियल माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन टू सिग्मा स्क्वायर। ये हमारे को संभावना देगा, प्रोबेबिलिटी, कि मीन वैल्यू से कितना डेविएशन होगा एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन जो है इस केस के अंदर दोनों वैल्यूज ले सकता है, क्योंकि आप जानते हैं एरर कैन बी प्लस और माइनस। तो क्या कंक्लूड करेंगे हम? कंक्लूड करेंगे कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से हम काउंटिंग की स्टैटिस्टिक्स का डेटा जो भी है उसको हम काउंटिंग मेजरमेंट्स में एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन गॉसियन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा कन्वीनियंट होता है ड्यू टू दी स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशंस। और यदि एक नया वेरिएबल डिफाइन कर दें इसी के अंदर ही एप्सिलॉन बाई सिग्मा जिसको हम वाई कह दें, तो दिस विल जस्ट बिकम वाई स्क्वायर बाई टू। सो पी एप्सिलॉन डी एप्सिलॉन विल बिकम पी वाई डी वाई इज इक्वल टू वन अपॉन रूट टू पाई एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ वाई स्क्वायर बाई टू डी वाई। और इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वाई एंड वॉट इट विल गिव अस। तो कैपिटल वाई की वैल्यू आ जाएंगी और आप इसको माइनस वाई टू प्लस वाई कर दें पी वाई डी वाई, और ये जो वैल्यूज़ हैं इनको अगर हम प्लॉट करें तो हम क्या पाएंगे, ये कैपिटल वाई एक्सिस पे कैपिटल पी वाई फंक्शन है और स्मॉल जो एक्स एक्सिस है वो वाई स्मॉल वाई है। तो इसको प्लॉट करें तो एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम गॉसियन कर्व भी कहते हैं, तो गॉसियन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमें दे देगा। इसका मायने क्या है, इस कर्व का मायने यह है कि ध्यान से देखें कि इसके अंदर 68 करीब परसेंट ऑफ इवेंट्स जितने भी थे वो एक प्लस माइनस वन स्टैंडर्ड डिविएशन के मीन वैल्यू के अंदर आ जाते हैं, और सारे इवेंट्स ऑलमोस्ट वो करीब प्लस माइनस थ्री स्टैंडर्ड डिविएशन के मीन के अंदर आ जाते हैं। ये इसका कंक्लूजन है। तो लेकिन ये जनरली पॉसिबल नहीं होता है कि हम काउंट्स के सिमिलर काउंट्स की एक पूरी सीक्वेंस करें, तो या तो हमारे पास वक्त नहीं होता है डिटेक्शन में मेजरमेंट लेने में, या जो डिके जो सोर्स कर रहा है वो उस काउंटिंग इंटरवल में वो प्रॉपरली हमें रेगुलरली सेम रीडिंग्स नहीं दे रहा है, सेम काउंटिंग नहीं दे रहा है। तो ऐसे में हम कई बार एक सिंगल काउंट या टू काउंट्स में मेजरमेंट करते हैं, और इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो ये पाएंगे कि सिंगल काउंट में 68 करीब परसेंट चांस होगा कि उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो प्लस माइनस वन के अंदर ऑफ ट्री ट्रू मीन वैल्यू आ जाए, और 99.7% करीब चांस होगा कि वो प्लस माइनस थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दी ट्रू मीन आ जाए। तो आप इसलिए सिंगल काउंट जो है वो अगर हम करते हैं एक सिंगल रीडिंग लेते हैं द ट्रू जो काउंट है वो हम जो है वो उसको फाइंड आउट एग्जैक्टली या प्रॉपरली नहीं कर सकते, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ दी ट्रू मीन होता है। तो इसलिए यदि आप इस तरह का मेजरमेंट करते हैं तो इसके अंदर सिग्मा को आप अप्रॉक्सीमेट करके अंडर रूट ऑफ सिंपल एन लिख सकते हैं, जिसको कॉमन भाषा में हम स्टैंडर्ड डेविएशन ही कहते हैं, और उसको जब कैलकुलेशंस करते हैं या एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो हम उन वैल्यूज़ को लेते हैं। और ये जो अनसर्टेनिटी है इसके अंदर ये हमारे मेजरमेंट्स में बरकरार रहती है, और इसलिए इट इज़ ऑलवेज बेटर टू टेक लार्ज नंबर ऑफ एक्स काउंटिंग डेटा, जिससे कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम रिलायबल हो सके, और हम उसको जो भी पैरामीटर्स या जो भी हम वैल्यूज़ एग्जिट दूसरी निकाल रहे हैं वो आउटपुट वैल्यूज़ जो है चाहे वो वोल्टेज पल्स हो चाहे कोई और एनर्जी का मेजरमेंट कर रहे हो तो वो हमें एग्जैक्ट दे।